हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जितने भी एनिमल आते हैं उन सब के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड जो है हमारा मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है? फॉर्म ऑन अ डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड मतलब पीछे की साइड। डॉर्सल साइड फॉर्म ऑन अ डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। कुछ एनिमल में फॉर्म होता है। तो ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू दिस फाइलम कॉर्डेटा। दिस फाइलम मतलब कॉर्डेटा। जितने भी एनिमल कॉर्डेटा के अंदर आते हैं वो नहीं क्या फंडामेंटली कैरेक्टराइज होते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है फंडामेंटली। एंड विद द डॉर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। डॉर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड डॉर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड डॉर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड। एंड इनके पास इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। बॉडी इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। इज ऑफ क्लोज टाइप। इनके पास एक पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। पोस्ट एंड इनके जो इनके पास टू फेरेंजियल गिल्स होते हैं। पॉजेस दे पॉजेस। दे पॉजेस पेयर पेयर फेरेंजियल गिल्स। हमारे जो कॉर्डेट होते हैं उनकी उनमें इन्हीं क्या डॉर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। एंड उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं मतलब तीन जर्मिनल लेयर इक्टोडर्म मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप मतलब आर्टरीज वेन एंड कैपिलरीज प्रेजेंट है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। एंड पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल होती है इनके पास। एंड दे पॉजेस अ पेयर्ड फेरेंजियल गिल सेट। पेयर्ड फेरेंजियल गिल सेट। पेयर मतलब टू पेयर मतलब एक साइड एंड सेकंड साइड। टू पेयर फेरेंजियल गिल सेट। एंड हमारा जो फाइलम कॉर्डेटा है वो नहीं क्या तीन सब फाइलम में डिवाइड होता है। तीन सब फाइलम में डिवाइड होता है। हमारा फाइलम कॉर्डेटा जो है तीन सब फाइलम में डिवाइड होता है। फर्स्ट है ट्यूनिकेटा और यूरिको कॉर्डेटा। फाइलम क्वाड्रेटा इज डिवाइडेड टू थ्री सब फाइला। ये तीन तीन सब फाइला में डिवाइडेड है। इज डिवाइडेड फाइलम क्वाड्रेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला। तीन सब फाइला। फर्स्ट होता है यूरिको क्वाड्रेट्स। फर्स्ट है हमारा यूरिको क्वाड्रेट। यूरो कॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। यूरो कॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। एंड सेकंड वन इज सिफेलो कॉर्डेट। एंड थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा हमारे जो ये दो है यूरिको कॉर्डेटा एंड सिफेलो कॉर्डेटा ये दोनों ही क्या मराइन होते हैं। आर मोस्टली मराइन। मोस्टली मराइन।
दे आर मोस्टली मरेन। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरिकोकॉर्डेटा, ये हमारे पास मोस्टली मरेन फॉर्म होते हैं। एंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरिकोकॉर्डेटा को हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डिड्स, प्रोटोकॉर्डिड्स आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डिड्स, प्रोटोकॉर्डिड्स। Also called as protocordates. किसे हम कहते हैं protocordates? Uricordates and cephalocordates. And जो हमारा uricocordate and cephalocordate में एक छोटा सा little difference है presence of notochord में। Uricocordate and cephalocordate में नहीं क्या हमारे पास एक छोटा सा difference है notochord में। हमारे जो uricocordate और tunicata है इसके अंदर जो नौ कॉर्ड है notochord है, notochord जो है ये प्रेजेंट है ओनली इन पोस्ट एंड ओनली इन लार्वल टेल। इन लार्वल टेल यूरिकोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा में नोटोकॉर्ड जो है, जो नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है ओनली इन लार्वल टेल, लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है ओनली। एंड इसके जो एग्जांपल है यूरिकोकॉर्डेटा आर डोलियोलम, डोलियोलम सल्फा, डोलियोलम सल्फा एंड एसिडिया, डोलियोलम सल्फा एंड एसिडिया। एंड सेकंड वन इज हमारा था सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो प्रिसिस करता है थ्रू आउट लाइफ टाइम, प्रिसिस करता है थ्रू आउट लाइफ टाइम एंड फ्रॉम हेड रीजन टू टेल रीजन। नोटोकॉर्ड हेड रीजन टेल एंड प्रिसिस थ्रू आउट लाइफ। इसके जो एग्जांपल है हमारे पास, इसके जो एग्जांपल है हमारे पास एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस लेंटिसेल, लैंसलेट, लैंसलेट्स, लैंसलेट्स एंड ब्रैंकियोस्ट्रोमा, एंड ब्रैंकियोस्ट्रोमा, एम्फियोक्सिस लेंटिसेल एंड ब्रैंकियोस्ट्रोमा। ब्रैंकियोस्ट्रोमा सिफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो प्रिसिस्ट करता है, वो प्रिसिस्ट करता है थ्रू आउट लाइफ में, प्रिसिस्ट थ्रू आउट लाइफ एंड जो हेड रीजन से टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एंड नोटोकॉर्ड जो यूरिकोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है ओनली इन लार्वल टेल, लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है यूरिकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा में। एंड सिफेलोकॉर्डेट में हेड रीजन से टेल रीजन तक होता है, इसमें नहीं का प्रिसिस थ्रू आउट लाइफ लाइफ टाइम नहीं करता, बट सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड कैसा रहता है प्रिसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ टाइम। एंड इसके जो एग्जांपल है हमारे पास एम्फियोक्सिस लैंसिलेट्स एंड ब्रैंकियोस्ट्रोमा, ब्रैंकियोस्ट्रोमा के ये दो नाम है एम्फियोक्सिस एंड लैंसिलेट्स। एंड यूरिकोकॉर्डेट के हमारे पास एग्जांपल है डोलियोलम सल्फा एसिडिया। अब इसे याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है डोलियोलम सल्फा एसिडिया। एंड इसका एक एग्जांपल है और एक एग्जांपल है एडमिनिया, हेडमिनिया। जैसे हेडमिनिया को हम कहते हैं सी पोटैटो, सी पोटैटो, हेडमिनिया को कैसे कहते हैं हम सी पोटैटो। तो ये चार एग्जांपल याद रखने की, ये आउट ऑफ सिलेबस है, हेडमिनिया जो है हमारा एग्जांपल है वो आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। तो डोलियोलम सल्फा एसिडिया हेडमा लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, इसे हम कहते हैं साधु, यस ए डी एच यू साधु। एस फॉर सल्फा, ए फॉर एसिडिया, डी फॉर डोलियोलम, एच फॉर
एड में एच यहाँ पे, डी फॉर डोलियोलम, एस फॉर सल्फा एंड ए फॉर एसिडिया। अब ये जो यूरिक ऑर्डेट का एग्जाम्पल है ये यूरिक ऑर्डेट की जाता है, तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। साधु यू से यूरिक ऑर्डेट याद रखने के लिए हमें इजी जाएगा। एंड एच से हेडमिनिया, डी से डोलियोलम, ए से एसिडिया, एस से सल्फा, ऐसे याद रख सकते हैं हम। इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल सिफेलोकॉर्डेट के एग्जांपल लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, एम्फियोक्सिस लेंटिसेल ब्रैंकियोस्ट्रोमा, इसीलिए हम लिखते हैं लैब्रा, ये लिए लैब्रा, ये जो है बी आर ए, ये ब्रैंकियोस्ट्रोमा के लिए होता है, ये ब्रैंकियोस्ट्रोमा के लिए स्टैंड करता है, ब्रैंकियोस्ट्रोमा के लिए स्टैंड करता है। एंड ए फॉर एम्फियोक्सिस, एल फॉर लैंसिलेट्स, तो इस टाइप से हम याद रख सकते हैं दोनों के एग्जांपल। अभी हमारा लास्ट सब फाइलम की है, ये जो दोनों एग्जांपल है यूरिकोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेट, ये हमारा सब फाइलम था अंडर कॉर्डेटा, ये दो हो गए। अब थर्ड वन जो हमारे पास था वर्टिब्रेटा, थर्ड हमारे पास था वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो इम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेटा में, बट वो रिप्लेस होता है अडल्ट में एक कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन इम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, एंड लेटर जैसा एडल्ट में एंड इन अडल्ट इट इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनियस कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है एंड नोटोकॉर्ड चेंज होता है, मतलब अडल्ट में निकाय रिप्लेस होता है बोनी वर्टिब्रल कॉलम और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से, एंड इसलिए इसके वजह से ऑल वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट्स कहते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में निकाय नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ओनली इन लार्वल स्टेज, बट प्रेजेंट तो होता है ना, इसके लिए कॉर्डेट्स के अंदर आ गया है, इसके वजह से ऑल वर्टिब्रेट्स आर नोन एज कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होता है इसके वजह से ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट कॉल्ड एज वर्टिब्रेट, ऑल कॉर्डेट्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। इसका मतलब जितने भी कॉर्डेट्स है उन सब में नहीं क्या नोटोकॉर्ड रिप्लेस नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम से, ओनली वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम है, बाकी कौन से भी कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस होता है वर्टिब्रल कॉलम में, बाकी कॉर्डेट्स के अंदर
वर्टिबल कॉलम नहीं होता, मतलब नोटोकॉर्ड रिप्लेस नहीं होता। तो इसके वजह से ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है, मतलब आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स के पास हर्ट जो होता है वो 3, 4 एंड 2 चैम्बर्स में हो सकता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर फिश जो आती है, फिश के पास 3 चैम्बर हर्ट होता है, एंड क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हर्ट, एंड हमारी ह्यूमन के पास 4 चैम्बर हर्ट होता है, बर्ड के पास भी 4 चैम्बर हर्ट होता है। तो वे पॉजेस अ मस्कुलर हर्ट। मस्कुलर हर्ट विच कुड बी थ्री टू थ्री फोर चैम्बर्ड। वर्टिब्रेटा में हर्ट प्रेजेंट होता है, वो भी 3, 4 एंड 2 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होता है, मस्कुलर हर्ट प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स में। कॉर्डेट्स में हर्ट नहीं होता, एंड वर्टिब्रेट्स में हर्ट होता है। एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर और सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स की कैसी रहती है? क्लोज टाइप। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। इसके पास नहीं क्या वर्टिब्रेट के पास नहीं क्या लिम्स, पेयर्ड लिम्स और फिन्स होते हैं। फिन्स मतलब फिन्स फिशेस के लिए, एंड लिम्स मतलब हैंड एंड लेग्स एंड आर्म्स, लेग्स एंड आर्म्स इसे हम कहते हैं लिम्स। तो वर्टिब्रेट्स पोजेस पोजेस पेयर्ड पेयर्ड फिन्स और लिम्स। लिम्स फिन्स जो होते हैं फिशेस के पास होते हैं स्विमिंग के लिए, एंड लिम्स जो होते हैं हमारे पास होते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, लेग्स। तो हमारा वर्टिब्रेटा खत्म हो गया है। इन डिटेल हम वर्टिब्रेटा के अंदर और फाइलम है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा था फाइलम कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम थे। 3 सब फाइलम में थर्ड वाला जो था वर्टिब्रेटा था। वर्टिब्रेटा में आगे भी और डिवीजन है। आगे के और डिवीजन देखने से पहले हम एक टी डायग्राम देखेंगे जिसमें आगे आने वाले सारे क्लासेस मेंशन होंगे। तो वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड टू 2 टाइप्स, अगेंथा एंड गैंथोस्टोमा। अगेंथा लैक्स जॉ। एंड इसके अंदर आता है साइक्लोस्ट्रोमा। एंड गैंथियोस्ट्रोमा विच बियर जॉ। इसके अंदर सुपर क्लासेस होते हैं 2 सुपर क्लासेस। कौन से? एक है पाइसिस एंड एक है टेट्रापोडा। के अंदर 4 क्लासेस है। एक है एम्फीबिया, सेकंड वन इज रेप्टिलिया, थर्ड एव्स,
थर्ड है हमारे पास केव्स जिसमें बर्ड्स आती है, एंड फोर्थ इज मैमिलिया। मैमिलिया एंड पाइसिस के अंदर आती है हमारे पास टू टाइप, कॉन्ड्रियोथिसाइट्स, कॉन्ड्रियोथिसाइट्स कॉन्ड्रिक्टाइज एंड सेकंड इज ऑस्टिक्सिसाइट्स, ऑस्टिक्सिसाइट्स। तो ये सारे क्लासेस हमें सेपरेटली इन डिटेल पढ़ने हैं वर्टिब्रेटा के अंदर। जिसके पास जॉ होता है उसे हम कहते हैं साइक्लोस्ट्रोमा, एगेंटा के अंदर आते हैं साइक्लोस्ट्रोमा। और ये क्लास हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, इन डिटेल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एंड करेंगे। ये सारे क्लासेस हम इन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए बाय।